दुआ करो यार, आपका भाई जो है अच्छी सी गाड़ी ले ले, क्योंकि ये चला चला के मैं बहुत थक गया हूँ। क्या मतलब ये अच्छी गाड़ी आई? अच्छी है, ससुराल वालों ने सही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। टूट भी जाएगी फिर भी संभाल। ओहो, इसका एक एक पुर्जा संभाल के रखूंगा। जैसे बुके जैसे म्यूजियम में नहीं होते जी, जैसे म्यूजियम में पड़े होते सामान, बहुत पुराने पुराने संभाल के रखे होते, वैसे ही मैं गाड़ी संभाल के रखूंगा। आपका काम है ससुराल वालों के एक रैपर भी। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नेल्सन सोना। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम दोनों जो है बाहर जा रहे हैं कुछ सब्जी वगैरह लेने। कुछ घर में क्या बनाओगे बुके? देखते हैं उधर जाके। तो मैडम को तो मैंने बोला बिरयानी बना लो, क्योंकि आज जो है मेरी मामा घर पर है, तो आज हमारी तरफ से जो है सबको दावत। तो आप लोग भी आ जाएं हमारे घर, अगर आना है तो आप खाना खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हमारी दावत में शामिल हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर सोडा वगैरह लेने, कुछ सब्जी वगैरह लेने, चिकन वगैरह लेंगे, और आपको साथ साथ दिखाता चल रहूँगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। और आज एक लेकर आया हूँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर तक शेयर करूँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो व्यूवर्स, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये देखें हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये, बस पंखा वगैरह लगा हुआ है, तार वगैरह लगी हुई है। इसके अंदर हम डालते हैं ये, जिससे आग लगती है। या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्या चीज़ है। तो मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसको पता है ये क्या है। इससे आग फौरन लग जाती है। ये हमने लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, इसके अंदर डाल के हम लोग थोड़ी आग वगैरह लगाएंगे। तो ये जो है इसके साथ वायर लगी हुई है, ये तेज़ कम ज़्यादा करने का जो है सिस्टम भी है, पंखा लगा हुआ है। तो ये हमें चूल्हा पड़ा है चार भाई। तो मैडम के हाथ में फ़ोन दूंगा, वो व्लॉगिंग करेंगी और वो आपके साथ बातें करेंगी और आपको दिखाएंगी। ये हमें चूल्हा पड़ा 4000 में, और ये हमें गिफ्ट दिया है पापा ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, आपको तो पता ही है। ऊपर जाते थे छत पर आग लगाने, तो सीढ़ियाँ चढ़ना फिर सीढ़ियाँ उतरना इतनी मुश्किल होती थी, खाना सही से बन भी नहीं पाता था, स्मेल आती थी, तो को बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल होती थी। मेरे पापा ने जी हमें सरप्राइज़ गिफ्ट दिया ये चूल्हा ला के। तो ये चूल्हा ला के ये हमें चौंका दिया कि ये भी चूल्हा मार्केट में आता है, ऐसा भी चूल्हा मिलता है जिसमें ये डालते हैं गोलियां वगैरह लकड़ियों के साथ, जो है आग फौरन भड़क जाती है, भड़क जाती है जैसे कि हमारे दिलों में भड़क जाती है फौरन से आग। तो इस वजह से जो है ये सरप्राइज़ था। तो आपके साथ अभी मैं मिलूँगा थोड़ी देर तक, क्योंकि अभी व्लॉगिंग जो है मैडम करेंगी, क्योंकि मैं चलाऊँगा। अभी हम लोग आए हुए हैं चिकन वाली शॉप पे, ये आप देख सकते हैं चिकन, और मैडम जो है ये सब्जी वगैरह लेने लगी है। ये हम चिकन वाली शॉप पर हैं, तो अब चिकन लेते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, एक चीज भी ले, क्या लेनी है ले लो, दही लिए और दूध लिए, क्या चीज़ लेने ले लो, वो इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं ले लो। इनके पास नहीं है खीर वगैरह है, बच्चे का फिर डेढ़ किलो चाहिए, कितने वाले ये नहीं सही बनेंगे, ये 200 वाले, और ये 300 ये कितने वाले? 240 मुझे 200 वाले सही लग रहे हैं, ये सही
बनेंगे। ये दे दो डेढ़ किलो, डेढ़ किलो कर दो। और बिरयानी मसाला भी दे दिए। बेगम को सही सामान खरीदना आता है ना। दुआ करो यार आपका भाई जो है अच्छी सी गाड़ी ले ले, क्योंकि ये चला चला के मैं बहुत थक गया हूँ। क्या मतलब ये अच्छी गाड़ी आई? अच्छी है, वालों ने सही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। टूट भी जाएगी फिर भी ओहो, इसका एक एक पुर्जा संभाल के रखूंगा। हाँ। जैसे बुके जैसे म्यूजियम में नहीं होते जी। जैसे म्यूजियम में पड़े होते सामान, बहुत पुराने पुराने संभाल के रखे होते, वैसे ही मैं गाड़ी संभाल के रखूंगा। आपका काम है ससुराल वाला केक रैपर भी तो। लेकिन आप अगर सपोर्ट करेंगे अपने भाई को, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका भाई एक ना एक दिन ज़रूर, मेरे को एक्चुअली शौक हैवी बाइक का, तो आपका भाई हैवी बाइक ले ले यार। लेकिन आपके आपके हाथ में कि आप कैसे भाई को सपोर्ट करते हैं, भाई को प्यार करते हैं, भाई को जो है सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो फिर साथ साथ मैं दिखाता चला जाता हूँ। क्यों रहे हो तो आप उसके अब्बू से लेके जाते हो तो उसको फ्री में दे देगा वो? देखो कहीं इधर उधर पड़ा होगा। काफ़ी अच्छी दुकान है सोफट रोड पे, आजम बस्ती सोफट रोड पे ये दुकान है, काफ़ी अच्छी दुकान है। दिखाओ। शान वालों की अच्छी होती है। सही है। ये सिटी लैग मुझे नज़र आ गया है यार, ये दो सिटी लैग भी दे दो हमारे प्रिंसेस के लिए। कैसे पापा ने गर्जने ले ली, उसकी रहने दो। एक दे दो, एक दे दो यार, इसको पसंद है ना सिटी लैग, वो भी ले लो अपने लिए। क्यों, मैं प्रिंसेस हूँ, शौक से, बड़े शौक से खाती हूँ। हम लोग घर पर आ चुके हैं, नेल्सन ने मेरे को चीज नहीं दी, तो अभी मैडम कटिंग वगैरह कर रही है ये प्याज, और ये अभी मेरे को जिम्मेदारी दी है ये चिकन साफ करने की, तो अभी ये सारा बिरयानी का जो है सामान रेडी हो रहा है, और ये हरा मसाला मैं डीप फ्रीजर से ले आया हूँ, तो अभी साथ साथ आपको मैडम दिखाती रहेंगी। तो आलू चावल बनाते हैं ना, मिक्स पुलाव टाइप का बनाएंगे, लेकिन होगी स्पाइसी बिरयानी, के बिरयानी का टेस्ट आएगा लेकिन होगी पुलाव जैसी, मिक्स जर्दा कलर भी डालेंगे लेकिन मिक्स हो। तो अभी बस ये छोटी छोटी लकड़ियों के पीस मैंने डाले, और ये मैंने दो ये डाले ऐसे। अब ये पंखा जो है, ये फैन, ये कम ज़्यादा करने वाला भी है, तो इसको तेज़ करूँगा मैं, पंखे की आवाज़ आप सुन सकते हैं, तो ये भी आप खुद पकड़ लेंगे लकड़ी। मैंने अंदर लकड़ी का एक पीस भी डाले यहाँ पे उठा के, तो अभी आप ये देख सकते हैं, आप खुद अभी पकड़ लेगी, जब एक दफ़ा पकड़ लेगी तो फिर आग बुझेगी नहीं। मिक्स करके इसके अंदर ही सब कुछ डाल रही हूँ, और मैंने ये देखें चिकन ने दही मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया। मैं आपको कब से कह रही थी मेरी वीडियो बना दो, तो आप बना ही नहीं रहे। मेरे को नाम भूल गए, क्या भूल गए हैं? मैग्नेट चिकन मैग्नेट की है, और ये चावल साफ किए जा रहे हैं। मुझे यही काम दे दे थे चावल साफ। वो देखें माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, हमारा जो है गैस का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, यहाँ से हम गैस तेज ज़्यादा भी कर। तो व्यूवर्स अभी मुझे पता चला है, पापा ने मुझे बताया कि 6,000 का है ये चूल्हा,
तो मैंने आपको 4,000 बोल दिया था। 15,000 का जो पापा बता रहे थे मिलता है। ये देखें ये इलेक्ट्रिक, इस पे पंखा लगा हुआ है। और ये देखें हमारा आलू देखें जी, पापा कह रहे थे डबल वाला जो है ना वो 15,000 का था, तो मैंने बोला हम लोग कौन सी इतनी बड़ी फैमिली, इसलिए पापा ये लाए हैं। तो ये आपने चिकन को क्या किया हुआ है यार? बस करो ना, आप मेरे को तंग कर रहे हैं। आपको पता है भी मेरे को नाम सही से नहीं क्या रख किया हुआ चिकन को? मैग्नेट चिकन को मैग्नेट चिपक नहीं आ रहा। ये मैडम ने परात के अंदर मसाले वगैरह डाल के चिकन को मैग्नेट किया हुआ है, समझ रहे हो ना? मैग्नेट किया हुआ है, मैग्नेट नहीं किया। और ये मैडम ने थोड़ा सलाद बनाने की कोशिश की है। सलाद बनाने की कोशिश नहीं की है मैंने बेटा, बिरयानी के लिए काटे सलाद मैं रायता बना रही हूं। अच्छा, तो माशाल्लाह से हमारे चूल्हे का जो है झंझट खत्म हो गया है। अभी VIP हो गया, VIP देखें आग बाहर तक आ रही है। और ये चावल तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करने का, पूरी वीडियो देखने का, क्योंकि आपके लिए भाइयों हम लोग हर एक एक चीज शेयर करता हूँ, हर एक एक चीज जो है शेयर करता हूँ आपके लिए। लेकिन आप वीडियो को स्किप कर करके देखते, बाद में आपको हमारा चैनल पसंद नहीं आता तो फिर आप लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, तो बाद में इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, हमारे बारे में समझ आएगी आपको कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हम लोग कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, सब आपको समझ आएगी। पर इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग हमारा फेक नहीं करते, सब रियलिटी होती है, जैसे हम जिंदगी गुजारते वैसे ही आपको सिखाते हैं। तो ये देखें मैं अभी चड्डे में ही घूम रहा हूँ, मैं शोशा रो के जो मतलब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये वो मैं दिखावा नहीं करता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहता हूँ, रियलिटी है। नहीं मुंह भी नहीं धोया हुआ आज, तो पानी नहीं आ रहा, ये देखें पानी नहीं आ रहा क्योंकि हमारा हो गया है टैंक खत्म। अभी हमने टैंक वाले को कॉल की है, वो कह रहा है कि जैसे 7-8 बजे तक आऊंगा। अभी 2-3 बज रहे ना जी, अभी 3 बज रहे, 3:11 हुए, तो अभी 8-9 बजे तक वो पानी वाला आएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। ये मैं गैलन लेके आया हूँ पानी की बाहर से फिल्टर वाले से। तो व्यूवर्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से जो है मुझे ब्लॉग ख़त्म करना पड़ा। इसका अगला पार्ट जो है वो मैं कल ब्लॉगिंग में आपको दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरह अपने भाई को प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट करते।